प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक वीडियो भेजा था आपके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें उसमें लास्ट के दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये समझाने के लिए रह गए थे। तो आज मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर आपको इन क्वेश्चंस का हल भेज रहा हूँ। कृपया इसे देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए मान लिया हमने, माना कोई धन पूर्णांक a है, माना कोई धन पूर्णांक ए है जो कि भाज्य का काम करेगा, भाज्य होगा, और साथ ही मान लिया बी बराबर 3 है, ये भाजक होगा। अब यूक्लिड विभाजन लेमा से a बराबर bq+r होता है, तो इसलिए यहां हो जाएगा a बराबर 3q+r होगा, और जहां r 3 से छोटा या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 0 से 3 के बीच होगा, यानी r बराबर होगा 0, 1, 2। तो r बराबर 0 तो a बराबर आएगा 3q+0 अर्थात 3q, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, तो a का स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर मीन्स 3q² जो हो गया 9q², 3 को बाहर लिख लें तो 3q² अंदर, तो ये हो गया 3 × 3q² जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको m लिख दिया जाए यदि, तो ये बन गया देखो 3m, जहां 3q² बराबर क्या लिख दिया हमने, m। तो इस प्रकार से हमने देखा r बराबर 0 के लिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 3m आ गई। अब r बराबर 1 लेते हैं तब देखते हैं a बराबर क्या आता है, तो 3q+1 आएगा, तो a का स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q+1 होल स्क्वायर करेंगे, a+b का होल स्क्वायर जिस तरह करते हैं उस प्रकार से इसे खोलेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 9q² प्लस 1² 1 प्लस दोनों की गुणा का दोना तो हो गया 6q। अब इसमें इन दो पदों में 3 कॉमन ले लें, 3 और q, तो 3q+2 आ गया +1, थ्री को कॉमन लें, ओनली 3, यहाँ आ जाएगा 3q² + 2q, 3q² + 2q। दोबारा देख लीजिए, इधर 3 कॉमन, 3q² + 2q+1 बाहर,
थ्री, इसको यदि एम मान लिया जाए तो ये हो गया 3m+1, इसको एम लिख दिया, ये आ गया 3m+1। इसी प्रकार से आर इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं तो ए बराबर 3q+2 बना, ए का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर बराबर 3q+2 स्क्वायर, इसको भी खोला उसी प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तरीके से, तो 9q² + 4 + 3 × 6 × 12 q। अब 9q² + 12 q में नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 q+ ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं हम 3+1। और अब इन तीनों पदों में देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3 को ले लिया कॉमन, 3q² + 4q + 1 और प्लस 1 आ गया बाहर। इस पूरे को यदि एम लिख दिया जाए तो ये बन गया 3m+1। तो देखिए बच्चों क्या देखा हमने कि r बराबर 0 रखा तो उस धन पूर्णांक a का मान जो है वो 3m के रूप में आया, r बराबर 1 रखा तो 3m+1 के रूप में आया, और r बराबर 2 रखा तो भी 3m+1 के रूप में आया। और यही हमको सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्g किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये सिद्ध हो गया इस प्रकार से। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ वर्ग था पावर 2 थी, और यहाँ पर उसका घन हमें प्रूव करना है कि वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। मान लिया ए कोई पूर्णांक है, उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन की तरह से धन पूर्णांक क्या लिया ए, और बी इक्वल्स टू ले लिया 3। तो यूक्लिड लेमा से क्या बनेगा, ए बराबर 3q+r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2 होगा पिछले क्वेश्चन की तरीके से। जैसे पिछले क्वेश्चन में बी 3 लिया था तो r बराबर क्या था, 0, 1, 2। अब r बराबर 0 तो ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस 0 यानी 3q, तो इसलिए ए क्यू कितना हो जाएगा, 3q³ और ये हो गया 27q³, जिसे हम लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लें, 3q क्यूब अंदर लिखते हैं तो ये हो गया 9 और ये m, इसको यदि m लिख दिया जाए तो 9m के रूप का आ गया। अब r इक्वल्स टू 1 लें तो a इक्वल्स टू कितना बना, 3q+1, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 3q+1³। और इसको हम एक्स प्लस वाई का या ए प्लस बी का होल क्यूब जैसे खोलते हैं उस तरीके से खोल देंगे। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जैसे होता है तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q³
प्लस वन क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई यानी थ्री क्यूब इंटू वन ब्रेकेट में थ्री क्यूब प्लस वन, ये हो गया 27x³ प्लस वन प्लस थ्री क्यू प्लस वन। सत्ताईस क्यू क्यूब प्लस ये बन जाएगा 9q² प्लस 3q प्लस 1, ये आएगा। अब इन तीन पदों में थ्री रह गया, यहाँ पर थ्री इंटू थ्री क्यू तो ये आएगा 9q ब्रैकेट में थ्री नौ तीन 27 हो गया, ये 27q² प्लस 9q। अब हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो 3q² प्लस 3q प्लस 3q³ प्लस 3q² और प्लस क्यू और प्लस 1 बाहर। इस पूरे को यदि m लिख दें तो ये हो गया 9m प्लस 1। तो r इक्वल्स टू जब बन लिया तो देखिए a क्यूब का मान कितना आ गया, 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। इसी प्रकार से r बराबर यदि 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेने पर a बराबर 3q प्लस 2 बना तो a क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2q। a प्लस b के होल क्यूब के तरीके से इसे भी खोल दिया तो ये आएगा पिछले क्वेश्चन की ही तरह 3q³ प्लस 2q प्लस 3 × 3q इंटू टू विद इन ब्रेकेट 3q प्लस 2 जो बना 27q³ प्लस 8 प्लस 18q ब्रैकेट 3q प्लस 2 27q³ प्लस 9 को बाहर रखा और 2q से अंदर गुणा कर दी तो ये बन गया 6q² प्लस 4q प्लस 8 लास्ट में लिख दिया। और अब 9 कॉमन लिया हमने इन दो पदों में तो 9 कॉमन 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 आ गया 9। और इस पूरे को यदि m लिख दिया जाए
तो ये बन गया 9m+8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी धन पूर्णांक के का क्यूब या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे ठीक से। बाकी वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको समझ लीजिए।